चलिए अब देखते हैं कि क्या होता है जब कांस्टेंट फील्ड में कंडक्टर मूव करता है इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू मूविंग कंडक्टर पावर रिक्वायर्ड टू मूविंग कंडक्टर चार्ज फ्लो एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेशनशिप इस एनिमेशन में हम देख सकते हैं कि एक क्लोज्ड लूप में गैल्वेनोमीटर लगा है और लूप की एक साइड जो कि ऑब्वियसली कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है इस मोशन के कारण करंट इंड्यूस हो रहा है कॉइल में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कंडक्टर के मोशन पर डिपेंड करता है जैसा कि हमें नीचे एरो बता रहा है कि जब कंडक्टर नीचे जा रहा है तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा और जब कंडक्टर ऊपर जाएगा तो इंड्यूस्ड करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा इसी कांसेप्ट को हम दूसरे एनिमेशन से समझते हैं इसमें पर्पल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन है अर्थात मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्क्रीन के अंदर जा रही हैं और एक स्क्वायर लूप उस फील्ड में मूव कर रहा है इस मोशन के कारण उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा जिसे हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं तो आइए अब ये निकालते हैं कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा मान लेते हैं कि स्क्रीन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड B है और Loop v से move कर रहा है और लूप का एरिया A है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फील्ड मल्टीप्लाइड पर बट इस केस में एरिया इन साइड द मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ चेंज हो रहा है जो कि हमें एनिमेशन में रेड कलर से दिख रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स एट एनी गि कितना होगा फाइव इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाई एल मल्टीप्लाइड बाई एक्स यहां पर एल लूप की वर्टिकल हाइट है और एक्स लूप की हॉरिजॉन्टल हाइट है अर्थात फ्लक्स किसी भी गिवन टाइम पर बराबर होगा मैग्नेटिक फील्ड बी मल्टीप्लाइड बाय द एरिया जो कि हमें एनिमेशन में रेड कलर से दिख रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ एम बराबर होगा माइनस डी ओवर डी ऑफ बी एल एक्स क्योंकि बी और एल टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है और सिर्फ एक्स की वैल्यू समय के साथ चेंज हो रही है तो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ मल्टीप्लाइड बाई डी एक्सर डीटी डी टी रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन है और हम इलेवेंथ क्लास में पढ़ चुके हैं कि रेट ऑफ चेंज इन पोजिशनिटी के बराबर होता है इसलिए इंड्यूस्ड ई का फॉर्मूला हो जाएगा बी मल्टीप्लाइड बाई एल मल्टीप्लाइड बाई वी इसको समझने की दूसरी अप्रोच यह हो सकती है कि चलिए मान लेते हैं कोई भी चार्ज क्यू अगर मैग्नेटिक फील्ड बी में वी वेलोसिटी से मूव करेगा तो उस पर लॉरेंट फोर्स लगेगा जिसका मैग्निट्यूड क्यू वी बी के बराबर होगा लॉरेंट फोर्स का डायरेक्शन वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा उस चार्ज को अगर हम एल डिस्टेंस मूव कराएंगे तो वर्क डन डब्लू होगा क्यू वी बी एल क्योंकि वर्क डन होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस और फोर्स क्यूवीबी के बराबर है और हमें पता है ई एम एफ इंड्यूस्ड होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज तो इंड्यूस्ड ई एम एफ बराबर होगा बी एल वी तो इन दोनों अप्रोचेस से हमने देखा कि इंड्यूस्ड ई एम एफ की वैल्यू होगी बी एल वी स्टूडेंट्स इस एनिमेशन को ध्यान से देखिए इस एनिमेशन में हम देख सकते हैं कि एरिया इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है जैसे ही कॉल फील्ड में एंटर करता है एरिया इंक्रीज होता है और फिर जब कॉयल बाहर निकलता है तो एरिया डिक्रीज होता है यानी रेड कलर वाला एरिया को जब हम ग्राफिकली प्लॉट करें तो हम देखते हैं कि इनिशियली एरिया इंक्रीज करता है फिर जब वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाता है तो कुछ टाइम तक कॉन्स्टेंट रहता है और फिर जब कॉइल फील्ड से बाहर निकलती है तो एरिया ड्रॉप होने लगता है नीचे वाला ग्राफ हमें ई एम एफ इंड्यूस दिखा रहा है जैसे ही क्वॉल फील्ड में एंटर होना स्टार्ट होगा तो ई एम एफ एकदम ड्रॉप होगा और अपनी मिनिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा फिर जब कॉइल कंप्लीटली फील्ड के अंदर आ जाएगा तो चेंज इन फ्लक्स जीरो होने के कारण ई एम एफ इंड्यूस की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी जैसे ही क्वाइल फील्ड से बाहर निकलना स्टार्ट करेगा तो फिर अचानक उसमें ई एम एफ इंड्यूस हो जाएगा जब तक वो कंप्लीटली बाहर ना निकले लेकिन एग्जिट के टाइम इंड्यूस ईएमएफ की पोलैरिटी एंट्रेंस के टाइम से ऑपोजिट होगी पिछले स्लाइड्स में हमने देखा कि कंडक्टर फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा था लेकिन अगर स्टेशनरी अर्थात रुके हुए कंडक्टर को वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो हमने एक्सपेरिमेंटली ये देखा है कि सेम रिजल्ट्स मिलते हैं लॉरेंस फोर्स के फॉर्मूले से हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस विलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि कंडक्टर रेस्ट पर है इसलिए हम लॉरेंस फॉर्मूला में विलासिटी को जीरो पुट करेंगे एफ इज इक्वल टू क्यू ई इसका मतलब फोर्स प्रोड्यूस होने का कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि समय के साथ वेरी करने वाली मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है